होगा। ये देखो ना भाई, यहाँ पे देख रही पूरा का भाई। लुताई ऑन होता पहले दिन में ही क्रैश हो गया भाई। अरे भैया, अरे गियर चेंज भागो सा ना लाम। हमारे पीछे देखो रियल ब्यूटी। अरे यार सेनोरिता फिर से प्रॉब्लम दे रहा है। जय पतंगली, जय पतंगली, प्लीज सेनोरिता रोका मत दो ना यार। ऐसे आप लोगों को बोला था मुक्तिनाथ आ गया ना, मैं अपना बाइक का नाम रखूंगा। सो सैड फॉर हिम यार। बाइक का नाम है दो भाई, क्या हो रहा है ये देखो आप लोग। 108 धारा लगा दिया हूँ, अभी पाप में नहाएंगे उसके बाद पुण्य कमाएंगे। अभी हम लोग कागबनी मुस्तांग में है और सुबह का टाइम देख सकते हो यहाँ पे। इंडिया टाइम 8:12 हो रखा है और नेपाल में 8:30 हो रखा है। और हमारा सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है काफी सुंदर, और यहाँ पे हमारा कॉफी भी आ चुका है। सच बताऊं तो आज सुबह सुबह क्यों उठे पता है गाइस, कल रात को इतना ज्यादा टायर्ड हो गया था कि मैं जल्दी सो गया था। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के आज पहली बार वीडियो एडिट किया गाइस। वीडियो एडिट करके अपलोडिंग में डाल दिया हूँ, सीधा टाइम पे आ जाएगा वीडियो, मोहब्बत बरसाएगा। फाइनली गाइस ड्रीम्स कम्स ट्रू, आपके भाई ने मुस्तांग हिट कर लिया है। और यहाँ पे हमारे देसी भैया, गुड मॉर्निंग चाचा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, बाकी सब ठीक? बस चल रहा है। तो आज का कहानी ये है गाइस, अभी हम कागबेनी में है ना, तो यहाँ से हम लोग को जाना है मुक्तिनाथ। वहाँ पे मंदिर है जहाँ पे दर्शन करना है हम लोग को, और हमारा जितने भी पाप वाप है ना उसको सब धोना है। ठीक है, आज का ये है, ये मुक्तिनाथ का पहले दर्शन कर लेंगे, और यहाँ से ना गाइस पोखरा से भी दूर यानी कि मुगलिन हिट करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है पर पॉसिबल हो सकता है अगर हम दोनों चाहे तो। पूरा कप जम गया गर्दन पे। अलर्ट गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से ना मैंने व्यू देखा ही नहीं हूँ, तो आपको भी और हम भी साथ में देखते हैं। ठीक है, कताओ व्यू। ओ भाई भाई मुस्तांग गाइस, क्या है ये? अरे माँ, भाई साहब बर्फ ही बर्फ पहाड़ों पर। उधर देखो ना गाइस, पूरा को पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और इधर टकला सा बर्फ, इधर भी दूसरा बर्फ, मतलब दूसरा पहाड़, मतलब अलग अलग कुदरत ने क्या बनाया, माशा अल्लाह वल्ला वल्ला। दाई हमने कर दिखाया, माँ कसम, पहले तो बहुत ही होपलेस हो गया था, पर बाद में we did it yeah? इन पहाड़ों को चीरते हुए ना हम आगे बढ़े, and finally we are here to celebrate our success। और अपना दो फुलझड़ी नीचे देख सकते हैं गाइस, वो दो फुलझड़ी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि रात को दोनों कांड किया है गाइस ना। और यहाँ के घर का स्ट्रक्चर को भी दिखाओ, और यहाँ का घर का स्ट्रक्चर वगैरह देखो ना गाइस, कितना मतलब यूनिक सा डिजाइन करके बनाया, काफी यूनिक यार। हमारे फॉरेन चाचा लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, आई थिंक ये लोग भी मुक्तिनाथ वगैरह घूम के आएंगे। सुनने में आया कि उन लोग का दोस्त वगैरह थोड़ा सा इंजरी हो गया ना। अच्छा, सो सैड। अपना बेबी हो चुका है कॉल स्टार्ट। भाई साहब, ये ओपोलो टायर ऑफ रोडिंग के लिए बनाए नहीं है, फिर भी हम मुस्तांग लेके आ गए। टायर वगैरह तो सब कुछ ठीक ही है, एकदम परफेक्ट। सो सैड फॉर हिम यार, मुस्तांग आए थे राइड में, ये अंकल जी का ना पैर पे काफी ज्यादा इंजर हुआ है यार, अब कैसे राइड करेंगे। ओके चाचा जी, सेफ राइड या। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली, गो स्लोली स्लोली स्लोली, जय श्री राम। ओके अंकल जी, ब्रावो या, लागे हमी तो हिमाल तीर। अभी हम लोग मुक्तिनाथ के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर है, और दर्शन वगैरह करेंगे वो टेम्पल पे, उसके बाद फिर वापस ही पोखरा, नहीं तो आज जितना जल्दी हो सके ना हम लंबा खींचने का ट्राई करेंगे, यानी कि आज काफी हार्डकोर राइड होने वाला है। ओ भाई, अभी तो थोड़ा सा ही राइड करने से ना मैं थक गया यार। ओ भाई, नजारा देख रहे हो गाइस, क्रैश हो गया। आया माँ, हाँ ये देखा ना, लगा तो नहीं बोल रहा, पूरा ही शरीर पे उठाऊं था। मैं यहाँ से आ रहा था, हवा इतना तेज आ रहा है ना गाइस, मैंने ना गोप्रो ऑफ करने के लिए ऐसा कर रहा था, मतलब पैर भी नहीं पहुंचा नीचे पे और सीधा जाके पलट हो गया। ये देखो ना भाई, यहाँ पे देख रही पूरा का भाई। लुताई ऑन होता
पहले दिन में ही क्रैश हो गया भाई। थैंक यू सो मच दाई, आत्मा ला गया यार मेरे। मैं कसम यार, यहाँ पे हवा बहुत ही तेज है और यहाँ से मैं आ रहा था ना, ये पैर भी नहीं पहुंचा और हवा भी इतना तेज आया, पूरा ऐसे करके पलट हो गया। ऊपर लेके आया ना थोड़ा सा। ओह शिट यार, ला गया क्या गियर चेंज भागो सा ना। ला मा साले इस तो भाई, गियर शिफ्टर ही पूरा दब गया अंदर। अगड़ी सामने ल्याउनु न अलिकति हुन्छ किन भयो चेन्ज भयो। ये नॉइस आ रहा देख रहा हवा का। अरे यार भाई बिस्तारी सक्सा दो भाई, क्या हो रहा है ये? आम स्लोली स्लोली आराम से। ये देखो ना गाइस, पूरा का पूरा बैंड हो गया। अल्ला खींचने पर से क्या कवरे आगे जाना आत्मा। बहुत ही बैड लक चल रहा है भाई हमारा। आप खुद देखो ना हवा कितना तेज से चल रहा है, लग रहा है कि आदमी के साथ बाइक को भी उड़ा देगा। मां कसम यार, नहीं हुआ देख रहे यहाँ पे हवा कितना आ रहा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट प्ले ऐप के बारे में। यहाँ आपको मिलेगा 1000 फ्री बेट ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, जहाँ आप आईपीएल में प्रेडिक्ट करके रियल कैश जीत सकते हो। मोस्ट प्ले आपको देता है फ्री फैंटेसी वाउचर ऑन एवरी डिपॉजिट। आप यहाँ फैंटेसी टीम बनाकर फ्री में रियल कैश डेली जीत सकते हो। 1000 प्लस ऑनलाइन कैसीनो गेम है। मोस्ट प्ले में 5% कैशबैक अप टू 5 इयर्स ऑन योर लूज। अब मोस्ट प्ले को रिफिल करके 1000 रुपीज तक मिल सकता है। साइन अप कीजिए मेरे लिंक से जो कमेंट पिन में है और पाइए फ्री रिवार्ड ऑफ 200 विड्रॉल एंड डिपॉजिट आर अवेलेबल 24 आवर्स। और आपको लाइव चैट सपोर्ट का सिस्टम मिलता है अगर आप मोस्ट प्ले को पॉजिटिव रिव्यूज एंड कमेंट करते हैं मोस्ट प्ले के ऑफिशियल पेज में, उसमें आपको मिलेगा 200 का एक्स्ट्रा रिवार्ड्स। तो अभी जाइए मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिए। पता नहीं मैं चला पाऊंगा कि नहीं, बट ट्राई तो करूंगा। अय्या माँ, मेरा ये बाइक ना दो बार गिर चुका है और मेरा लेफ्ट साइड का मिरर ना काफी ज्यादा स्क्रेचेस वगैरह और टूट सा गया है। हिमालय देख सकते हैं और काफी सुंदर। ऐसे जगहों पे ना वेदर कभी भी पलट सकता है यार। ये मेरा गियर ही नहीं लग रहा अच्छे से। अरे गाइस ये क्या हो रहा भाई, बाइक आगे जा ही नहीं रहा, आगे से इतना ज्यादा हवा आ रहा है ना भाई, क्या बताऊं मैं। उफ, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हेलो, अभी जिस स्पॉट पे है ना गाइस, ये जगह का नाम है भायरल डाड़ा और यहाँ पे दूर दूर तक एकदम स्मूथ रोड, और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुक्तिनाथ काफी सामने ही है। बस धीरे धीरे करके अभी हाई एल्टीट्यूड में हम लोग बढ़ रहे हैं गाइस, तो ज्यादा मैं मस्ती वगैरह नहीं करूँगा ऊपर, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। और मैंने यहाँ पे ना Insta360 ऑन कर दिया हूँ सिनेमैटिक के लिए। रेडियो चलिए 1 2 3 गो। होय नजारा देखो गाइस, दिस प्लेस इज रियली हेवन। अब इसे जन्नत नहीं कहोगे तो किसे कहोगे। ये पेड़ देखो ना गाइस, पूरा का पूरा सूखा हुआ है। किसी को पता है तो बताना ये कौन सा पेड़ है यार। वो अंकल जी देखो ना भाई, इतने पहाड़ों में इतने भारी सामान लेके जा रहे हैं। और ये विलेज का नाम ना झारकोट विलेज है, काफी सुंदर सा। और वहाँ पे देखो खेती बाड़ी वगैरह, ऐसा लग रहा है कि 2 कदम चलूंगा ना तो हिमालय में पहुंच जाऊंगा। देखो ना भाई कितना सामने दिख रहा है। वेलकम टू मुक्तिनाथ गाइस, वेलकम टू मुक्तिनाथ, फाइनली वी डिड इट मैन। आई थिंक ये मुक्तिनाथ मार्केट है, यहाँ पे होटल लॉज वगैरह है और टूरिस्ट वगैरह ट्रैकिंग कर रहा है। ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं है। अरे भाई ये लड़की का आँख कितना ब्लू था यार, ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान का कलर ना इसके आँखों पे आ गया।
ये घोड़ा कितना है खच्चर हो घोड़ा देसी ब्लॉगर चलो 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 क्या हुआ अरे भैया का बाइक ही नहीं गया ऊपर अरे हमको भी बहुत पावर देना पड़ रहा क्या हुआ नहीं चढ़ा आपका बाप रे बाप नहीं हुआ अरे ठीक है रुको एक मिनट हाँ चलो चलो ओम नमः से अरे चलो अरे मेरा सांस फूल गया So finally we're here, Mukhinath. Welcome to Mukhinath Temple. टेम्पल के नीचे अपना बाइक देख सकते हैं और एक चीज गाइस आप लोगों को बोला था मुक्तिनाथ आ गया ना मैं अपना बाइक का नाम रखूंगा सो बाइक का नाम ये है कुछ इस तरह का कि बाइक का नाम है रॉकी कैसा रहा नाम आज से मेरा बाइक को सब जन रॉकी बुलाएंगे ठीक है रॉक एंड रॉकी कसम से यार पहुंच गया एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पहुंचेगा यहाँ पे वो भी अपोलो टायर लेके स्पोर्ट्स बाइक यार मुक्तिनाथ में फाइनली सो या अपने रॉकी और सेनेरिता को यहीं पे छोड़ के हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए और हम ना आपके लिए और हमारे फैमिली और सभी के लिए ना दुआ भी मांग के लाएंगे ठीक है भैया सुनिए मैंने अपना बाइक का नाम रख दिया क्या नाम है बताओ रॉकी रॉकी द ग्रेट मतलब रॉकी अब रॉक करेगा रॉक लामा के साथ रॉक एंड रॉकी है कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है बाबा जी ये सीढ़ी कितना है 365 ओहो 365 सीढ़ी है गाइस यहाँ से चलिए आगे बढ़ते लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव अब यहाँ से इंटर हो गए हैं हम लोग मुक्तिनाथ जैसे इंटर किया ना ऐसा लग रहा है कि मुझे ना मुक्ति मिल गया अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग ही मतलब अलग ही दुनिया में आ गए गाइस हम लोग देख रहे हो पिछली बार जब आया था ना रॉक हाँ ये जो पेड़ पेड़ दिख रहे हो ना हाँ मतलब पूरा बर्फ चारों तरफ अभी हम मुक्तिनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं ये है मुक्तिनाथ मंदिर और यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है और अभी हम हैं 108 धारा जहाँ पे आप नहा के ना आपको मुक्ति मिलेगा ना एक्चुअली मैं बता दूँ हम दोनों का शरीर ना काफी ज्यादा खराब और बीमार हो गया है पर सोच रहा हूँ घर वापसी भी करना है पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहा दूँ इतने ज्यादा सर्दी खोखी हो रखा है ना पर फिर भी यार वहाँ से इतने दूर से यहाँ तक आए हैं तो नहा ही लेते हैं शरीर से जैसे मैंने कपड़ा वगैरह खोला ना भाई अभी से मैं कांपने लगा हूँ पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं बट भगवान के भरोसे जय श्री राम जय बजरंग बली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आराम से कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे रॉक कर पाओगे तुम कुआ में 108 धारा लगा दिया हूँ अभी पाप में नहाएंगे उसके बाद पुण्य कमाएंगे डुबकी 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 हाँ पोस्ट बन फाइनली कर दिखा जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नाली क्या कैसा लग रहा है ये बंदा मेरे शरीर के सारे ब्लड स्टॉप हो गया माँ कसम और जो भी हो ये एक्सपीरियंस ना मैं जिंदगी भर याद रखूंगा मजा आ गया अरे भाई मैं जिंदा हूँ ना हाँ तो जिंदा है भाई सो या मैं कपड़ा लगा के आ चुका हूँ और ये रहा मुक्तिनाथ मंदिर जो कि काफी पूजा हो रहा है और काफी ज्यादा भीड़ है गाइस तो हम लोगों को ना काफी ज्यादा लेट हो रहा है यहाँ पे धारा पे नहा लिया ना तो यही काफी है थोड़ा सा दर्शन वगैरह ले लिया और मेरा फोन जो है ना पूरा का पूरा डेट है हम लोग को मेन वहाँ आगे ना बुद्धा भगवान है वहाँ पे फोटो खींचना था वही नहीं ले पाया फोन ही स्विच ऑफ हो गया और यहाँ पे ना गाइस आके अगर आप नहाते हो ना तो ऐसा लगता है शरीर का सारा जो मैला है ना वो उतर गया अभी ऐसा लग रहा है ना अभी सेम टू सेम फील वैसे ही हो रहा है लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरा ना नया जिंदगी शुरू हो गया आज से अभी हम बहुत ही स्पेशल जगह पे पहुंचे हैं गाइस आप देखना चाहोगे ये देख सकते हो भाई हमारे बुद्धा भगवान का स्टैचू
भाई साहब रियल जन्नत, मतलब यहाँ पे आके दर्शन, मुक्तिनाथ के दर्शन होके और 108 धाराओं में नहा के, लाइक मैं ऐसा फ्रेशनेस फील ना, पॉजिटिव वाइब का भी जिंदगी में नहीं किया था यार। ये हमारे पीछे देखो रियल ब्यूटी, और ये मुक्तिनाथ से ना इस तरीके का व्यू दिखता है यहाँ से, और वहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, और सीरियसली खूबसूरत। Time to say goodbye to this beautiful heaven place, guys. I hope कि फिर मौका मिले हमें यहाँ आने का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा हूँ कि लाइक वीडियो बहुत सारे लोग ना पसंद करते हैं, देखते हैं, बट 50-60% लोग ना सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इट्स टाइम फॉर घर वापसी गाइस, पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी टाइम कैसे बीत गया। अभी चलते हैं घर और प्लान वगैरह बनाते हैं लद्दाख राइट। ये जो मेरी नंगी नंगी आंखों से हेवन वाला व्यू देखा ना भाई, जिंदगी भर याद रखूंगा। जब हम लोग काकबनी से आ रहे थे ना गाइस, ये आगे का और इधर का पहाड़ में ना काफी ज्यादा बर्फ था। अभी धूप लगने के कारण ना पूरा आधा उधर पिघल गया है। इधर का पहाड़ से ना ये वाला पहाड़ काफी यूनिक लगा यार, टाइप ऑफ पिरामिड की तरह दिख रहा है यार ये। अरे भाई साहब, दादा, बहुत ही डेंजर हवा आ रहा है गाइस। यहाँ पे हम लोग फोटो लेने के लिए रुके हैं। ये भाई दादा, भाई मुझे ढकेल रहा है हवा। लो लो चिड़े चिड़े था, लो रेडी। सेकंड में इतना ज्यादा हवा आता है, फिर सेकंड में गायब हो रहा है। ये देखो फिर आया वो मैप का। थोड़ा सा रील्स और फोटो वगैरह उठा लिया इंस्टाग्राम के लिए। प्लीज गाइस नेपाल सीरीज का सारा इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट करना, फोटो वीडियो वगैरह, ठीक है, और लाइक वगैरह कर देना। भाई आपका भाई इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सुबह मैंने टॉयलेट किया था, जिस पानी से मैंने धोया था ना गाइस, मैं कसम मौत को छुके टॉक से वापस आ गया, ऐसा फील हुआ भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और अभी तो सीज़न ही नहीं है, विंटर के टाइम में जब विंटर होगा ना भाई, मुझे जहाँ तक लगता है ये जितने भी सारे पहाड़ है ना गाइस, पूरा का पूरा बर्फ से ढक जाएगा। और कल रात को ना हम यही रास्ता होके आए थे, यहाँ से 35-30 किलोमीटर तक ऐसा ही ऑफ रोड रास्ता है भाई। ये नज़रिया देख के लगता है कि ये अलग गोला का है भाई, पर नहीं, ये तो हमारा ही गोला का है, और हम भी यही गोला का है, आप भी यही गोला के हैं, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। हमारा रॉकी को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है। कोई ना रॉकी, अभी यहाँ से सिलगुड़ी पहुँचो, तुम्हारा आंध्रा भूड़ी सब निकल के ऑपरेशन कर दूंगा तुम्हें, सब नया माल डाल दूंगा तुम्हारे शरीर पे, ठीक है। हेलो ब्रो, यार गांव के मन से बैठे है, रोमैलो लगता टाड़ा बाटो में बैठ दे। चलो भाई लोग, अपना ही सिक्किम का लोगों से मिलकर खुश लगा। चलो सारे के सारे सिक्किम बॉय से मिलकर भी काफी अच्छा लगा, ऐसे अनजान जगहों पे मिलता है ना तो अपने ही लोंडा लोग का दिल से अच्छा लगता है। ग्रुप का लीडर ये। अच्छा ग्रुप का लीडर तब हुनुहुन्छ। ल एकदम धेरै धेरै शुभकामना है, बेस्ट विशेष, राम्ररी राइडहरू गरौँ ल। कल हम लोग ये रास्ता से आए थे, पर आज ना ये काफी डीप लग रहा है, तो यहाँ से जा रहे भैया। अरे अरे आराम से आराम से। जय बजरंगबली जय बजरंगबली। ओए मा मा दादा, यस। देखने में इजी लगता है, बहुत डिफिकल्ट है यार। अंजलि, रास्ता बहुत ही फिसला ने, यहाँ पे फिसला तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा अंजलि। तो हम चेक पोस्ट में आ गए हैं, और ये मुस्तांग रीजन को बोलते हैं बाय बाय, फिर कभी आएंगे। देख रहे हो कितना डरावना दिख रहा है, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा यार यहाँ से। ये देखो आप लोग कैसा दिख रहा है ये व्यू, कमेंट में बता देना।
अब यहीं पे रात होने लगा है। हम लोग ने तो प्लान किया था कि पोखरा से और ऊपर तक हिट करेंगे ताकि जल्दी घर पहुंचने में ना हमें जल्दी होगा। और जैसे यह घर वापसी का बात सुनाओ ना भाई, घर जाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मतलब कब पहुंचूंगा ऐसा फील हो रहा है। ड्रीम राइड भी कंप्लीट हो गया। जितना ऊपर जाने में डर नहीं लग रहा था ना, उतना नीचे आने में उससे ज्यादा डर लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ का रास्ता इतना ज्यादा फिसलन है ना गाइस, थोड़ा सा ही ब्रेक मारूंगा ना सीधा पहुंच जाएगा मैं पल्ले छो में। प्लीज भगवान रक्षा करना, घर सेफली पहुंचा देना हम दोनों को। फुल्ली एडवेंचर ब्रो, मजा आ रहा। अपना रॉकी भाई रो रहा है अभी, बिकॉज ये कुछ हद से ज्यादा ही ऑफरोडिंग कर चुका है। या देवी झरना, ओहो रास्ता बहुत फिसला नहीं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ओहो रॉकी भाई सेफली घर पहुंचा देना हमें, ठीक है। मुक्तिनाथ मुस्तांग से ना गाइस 3 बजे निकले थे, अभी रात के 10 बज गए हैं। अभी हम लोग माल ढूंगा यानी कि बागलुंग से थोड़ा सा नीचे है, हम शायद अभी तक पोखरा पहुंच जाते कि, बट यहाँ पे ना सेनोरिता फिर से प्रॉब्लम दे रहा गाइस, पूरा मतलब सांस छोड़ दिया, वो मर गया भाई। ये देखो अब यहाँ पे ट्राई कर रहे भाई कि फिल्टर निकाल के ना इसका थोड़ा सा साफ सुफ करके ये चल सकता है शायद। और यहाँ पे दुकान वगैरह भी पूरा का पूरा बंद है, पर यहाँ पे ये अंकल जी है ना, उसका गाड़ी के अंदर वो क्या बोलते हैं उसका हवा मारने वाला कुछ सामान तो है जो कि उससे हो जाएगा बोल के हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कब से, पिछले 1 घंटे से यहाँ पे है। और भैया ने ना गाइस ये सेनोरिता जो है ना यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पूरा स्कूटी बंद हो गया था, वहां से ढकलते ठेलते लेके यहाँ पे लेके आया। अब ये फिर खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे लॉक लगाया है फिल्टर को। कसम से खाना नहीं खाया हूँ, भूखे मारे शरीर कांप रहा है। और आगे आगे पोखरा से आने वाला भैया लोग बोल रहे हैं कि पोखरा में तो फुल बारिश हो रहा है, इसलिए हम लोग ने रेनकोट वगैरह पूरा लगा लिया। अरे ये लॉक वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, प्लीज सेनोरिता धोखा मत दो ना यार। आप इस बार लास्ट है, म्यूजियम में रख देना इसको। 3 साल में भैया ने कहां कहां नहीं दौड़ाया इसको। खुल जा आसिम सिम, खुल जा आसिम सिम, खुल जा, ये मिल देना। स्कूटी को बहुत बार ट्राई किया बट चलने के लिए मान ही नहीं रही है, पूरा उसका सांस बंद हो गया, वो पूरा कोमा में चला गया। और काफी ज्यादा भूख लगा था तो यही दुकान में ना हम लोगों ने चिकन राइस वगैरह मंगा लिया, अब इसको खाते हैं। अब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देखो हमारा सामान वगैरह किधर किधर पड़ा हुआ है, वो देखो भाई। और यहाँ पे खाना खाएंगे अभी। इतना ज्यादा टेंशन हो गया था ना, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हम तो रोड में सोने वाले थे, बट यहीं पे अंकल जी का ना रूम दे दिया हमको कि लाइक यहाँ पे रह जाओ, इसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, कोई नहीं पर एक दिन के लिए कम से कम रूम तो मिल रहा है। तो हमारा सामान वगैरह कुछ इस तरीके का सारा यहाँ पे रख दिया हूँ। और ये बैग देखो ना गाइस, ये देखो बैग का हालत देखो, आज यहीं पे सोना है, क्या कर सकते हैं। कल सुबह ही उठ के ना सेनोरिता को बनवा देते हैं यहीं पे गैरेज पे, आए कि वो खुल जाए जल्दी। स्पेशली थैंक्स टू माय अंकल, ये अंकल जी के यहाँ पे रूम मिल गया तो यहीं पे हम सोने वाले हैं। और अपना रॉकी और सेनोरिता कुछ इस तरीके का जगह पे रुका है, कुछ होगा तो नहीं ना अंकल जी। अंकल कुछ नहीं होगा ना, बाहर है बाइक, बाइक का कंडीशन कुछ इस तरीके का है गाइस, देख सकते हैं। आज भी काफी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करके आए ना, तो आगे पीछे पूरा का पूरा गंदी हो चुके ऐसे ना ब्लॉग। आज का यही है दुखद कहानी, टेंशन मत लीजिएगा, कल बनाएंगे सेनोरिता को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कांची तिमरा डैक 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 नहीं नहीं डैक 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 करने से पहले सुनो, मुस्तांग राइड करके आए हैं, इसमें 50 के लाइक्स तो होना ही चाहिए, कहाँ से भी ढूंढ के लाओ पर 50 के लाइक्स करवा दो प्लीज ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कांची तिमरा डैक 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 अंकल जी डैक 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 बंद।